अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फजर फूड विलेज। आज हम दाल चना की रेसिपी बना रहे हैं, मसाले वाली दाल खुश्क। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 अदद प्याज, 2 अदद टमाटर और 1 लहसुन की गट्ठी। और हमने 400 ग्राम जो है हमने चने की दाल ली है। तो चले आप हम इसको काटते हैं और बकाया जात मसाले जो हैं वो इंशाल्लाह बाद में बताते हैं आपको। पहले ये सामान काट लें फिर उसके बाद आपको बताते हैं। प्याज को जो है वो छोटा ही काटना, बड़ा नहीं काटना, क्योंकि जितना बड़ा प्याज काटते हैं ना वो फिर मसाला इतनी जल्दी नहीं बनता ना। तो जितना आप छोटा प्याज काटेंगे उतना ही मसाला अच्छा और मुलायम बनेगा। मैंने आज फजर को बोला चलो फजर आज मैं आपकी हेल्प करता हूँ, आज जो है ना मैं बनाता हूँ, क्योंकि मेरा दिल भी कर रहा था दाल खाने के लिए। तो मैंने कहा चलो आज मैं आपको बना के देता हूँ। 2 अदद टमाटर हैं और हमने इनको फ्रीज किया हुआ था। फ्रीज करने से ये होता है कि छिलका जो है ना वो उतर जाता है आसानी से। तो हमने 2 अदद टमाटर जो है वो काट लिए बारीक बारीक। इसमें ये होता है कि फिर छिलका जो है वो नज़र नहीं आता और बहुत अच्छा जो है ना वो नज़र आता है। वैसे जो है छिलके छिलके नज़र आते हैं। टमाटर हमारे कट गए हैं जी। हम इनको मसाले को जो है ना वो प्रेशर कुकर में जो है वो रेडी करेंगे। और ये थोम भी है, थोम भी साथ। अब इसमें डालेंगे जी हम मसाले। 1 टेबलस्पून जो है वो नमक है और जिंजर पाउडर है 1/2 टेबलस्पून और 1 जो है वो रेड चिली है 1 टेबलस्पून, हल्दी है 1 टेबलस्पून और ये मेहरान का मिक्स मसाला है 1 टेबलस्पून। एक साथ हम डाल देंगे और इसमें हम जो है 1 गिलास जो है ना वो मसाले को गलाने के लिए जो है ना 1 गिलास जो है हम पानी का डालेंगे। 1 गिलास पानी का हमने डाल दिया और इसको हम जो है ना तकरीबन 10 मिनट के लिए जो है हम प्रेशर देंगे और मसाला जो है गल जाएगा इंशाल्लाह। प्रेशर कुकर को हम बंद करते हैं 10 मिनट के लिए इंशाल्लाह। इसको हम प्रेशर देंगे, जब सीटी बजनी शुरू होगी उसके बाद 5 मिनट हम जो है ना मसाले को गलाएंगे। चूल्हा हमने जला दिया, प्रेशर कुकर जो है ऊपर रख दिया। तो इंशाल्लाह 10 मिनट में हम प्रेशर खोलेंगे और मसाला भुनेंगे इंशाल्लाह। तो 10 मिनट हमारे हो गए हैं और सीटी बज रही है। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे और साथ में हमने जो है ना चने की दाल जो है वो हल्की सी जो है ना उबाइल करनी है बस, और मसाला भून के फिर उसके बाद दाल को जो है हम मसाले के अंदर डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह मसाला हमारा कितना प्यारा गल गया। अब हम इसको भूनेंगे। अब हम इसमें घी डाल देंगे ताकि जो मसाला जो मसाले का कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। जितना मसाला आप भूनेंगे उतना ही जो है ना ये टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल जो है वो तकरीबन 1 कप जो है ना इतना 1 कप तेल का आपने डालना है ताकि मसाला इसमें तेल में जो है मसाला भुजता है। देखिए माशाल्लाह मसाले का कलर भी बहुत प्यारा जो है ना वो नज़र आ रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी है। मसाले को जो है हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के भुनेंगे ना, ज़्यादा नहीं डालना, बस थोड़ा थोड़ा डाल के मसाले को जो है भूनना है। देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारा कलर है
तो अभी हम डालेंगे 1 स्पून टोमेटो पेस्ट का, देख सकते हैं आप। इससे जो है ना जरा कलर अच्छा हो जाएगा। ये वाली टोमेटो पेस्ट है, देख सकते हैं आप, ये नदा की टोमेटो पेस्ट। अभी हम इसको भूनेंगे। मैं और फजर जो है ना आज दोनों कुकिंग कर रही हैं। मैंने फजर को बोला चलो आज मैं आपके साथ हेल्प करता हूँ। मसाला माशाल्लाह हमारा जो है देखिए जी कितना प्यारा बुझ गया और कुकिंग ऑयल भी सारा बाहर निकल आया। अब हम इसमें जो है ना दाल डाल देंगे और थोड़ा सा दाल को जो है ना भूनेंगे और हल्का सा जो है ना दम पे कर देंगे फिर इंशाल्लाह। ये दाल जो है ना हमने पहले ही तकरीबन इसको गला लिया है और हाफ जो है वो इंशाल्लाह भूनने में जो इंशाल्लाह वो करेंगे। देखें जी माशाल्लाह ये बिल्कुल खुशक बनेगी और बिल्कुल मज़ेदार बनेगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब 3-4 मिनट जो है हम इसको भूनेंगे फिर ताकि दाल का जो कच्चा पानी है ना वो भी चला जाए। और पानी वगैरह हमने बिल्कुल नहीं डालना, जो थोड़ा सा पानी बच जाएगा ना इसके अंदर दाल के जो जिसमें हमने दाल को हाफ जो है गला लिया है वही पानी इसके अंदर साथ डाल देना है ना। तो फिर हल्की आंच कर देनी है और दम पे रख देना। अभी हम इसको जो है ना 5 मिनट के लिए हम जो है ना इसको दम में कर देंगे और ये जो थोड़ी सी इसमें कसर रह गई थी वो दम में ही जो है ना इंशाल्लाह वो पूरी हो जाएगी। तो दाल को जो है हमने सिर्फ दम पे किया है, सीटी नहीं लगानी, बस दम पे कर दिया 5 मिनट के लिए। 8 अदरक जो है, 8 अदरक जो है हमने ग्रीन चिली ले ली है। आप अपने हस्बे जैका के मुताबिक जो है आप जैके के मुताबिक डाल सकते हैं। हम थोड़ी ग्रीन जो है ना मिर्ची वो थोड़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी काट लें। थोड़ी सी गार्निश की कर देंगे, थोड़ी सी जो है हम दाल के अंदर डाल देंगे। जब तक हमारी दाल बनते हैं तब तक हम जो है वो धनिया और मैंने कहा ग्रीन चिली जो है वो रेडी कर लें। तो इंशाल्लाह ये बहुत मज़ेदार बनेगी, आप भी इसी तरह ट्राई करें। देखिए माशाल्लाह मसालेदार दाल हमारी चने की जो है वो रेडी हो गई है और बहुत ही प्यारी खुशबू जो है ना वो आ रही है, कलर भी बहुत प्यारा है। अब हम इसमें धनिया डाल देंगे। और थोड़ा सा जिंजर डाल देंगे और ग्रीन चिली थोड़ी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी ग्रीन चिली डाल देंगे। थोड़ी जो है हम वो गार्निश के लिए जो है रख लेंगे। तो जनाब ये ले हमारी मज़ेदार चने की दाल मसाले वाली तैयार है और अब हम इसको डिश आउट करते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है, भी बहुत माशाल्लाह बहुत प्यारा है जो है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। यकीन करें आप इसी तरीके से बनाएं, कोई ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, वो दाल का टेस्ट ही नहीं आता फिर ना। ये ले जी मसाले दाल, हमारी चना दाल जो है वो रेडी है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है ना इसकी लुक है, बहुत मज़ेदार है और बहुत खुशबू आ रही है। अभी हमारे तो जान हो गया इधर सोदिया में, नहीं तो मेरा दिल कर रहा था मैं अभी तंदूर की रोटियाँ लेके आऊँ और उसके साथ जनाब आज वैसे ही मेरा दिल कर रहा था साथ लस्सी होती तो। और ये लेंगे माशाल्लाह हमारी चना दाल मसाले वाली रेडी है और यहाँ पर हमने सैलेड भी बना लिया है।
विथ सोया सॉस। ये बहुत ही डिलीशियस है, मुझे अभी खाने का दिल कर रहा है। पर यहाँ पे सऊदी अरब में भी अजान हो रही है, वरना फिर हम रोटी लेके खा लेते हैं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लाइक शेयर एंड कॉमेंट। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।